टू मच इनटू इट, पूरा दिन लग जाएगा ये बात में। जैसे आपके जो चोर ने आपसे मारपीट की कभी, इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आपके कुछ? हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है। बट इज एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से। यू कांट शो ऑफ नीदर डू यू टेक पिक्चर्स। इतनी देर से कहाँ था इतनी देर से पहले क्या हर बार नहीं लिया, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो राइट। आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर। बट व्हाई यू आर टॉलरेटिंग ऑल दिस सिंस सो लॉन्ग? बिकॉज़ आई लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम, because I still do, and I was stupid, because I still do, right? It came as a slap on my face because we were having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Do you know that girl? This is last night. यहाँ पे देखो। मैम सब जगह घूमो ना। नीचे थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा यार। अरे मैडम हाथ थोड़ा नीचे रखना। अरे भाई थोड़ा इधर नीचे करो। You know what guys, this is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with me. I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है, बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी। बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो। आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो अननेचुरल नहीं है, किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो दिनों से। सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट। जगह वो कमरे के बाहर चला गया, जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माय हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल। शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा। उसको लगा होगा कि शायद हो जाएगा, यू नो। हाउएवर एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, आई रियलाइज कि क्या हुआ है। तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माय गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल। सो आई सेड व्हाई डू यू हेट मी सो मच। जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी अरुण। अरे एक मिनट गाइस, आराम से। हाँ हाँ, आराम से आराम से, बिल्कुल। ओ भाई बूम पकड़ो, रवि अरुण पकड़े। हाँ जी, सो पहले ओके, नमस्ते एंड हेलो, दिस इज़ मुनीशा खटवानी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर, और मैं निशा की बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ, निशा और करण की। अभी एक्चुअली उनका FIR चल रहा है ऊपर। उन्होंने बहुत टाइम से हमें बोला था कि फॉर अस नॉट टू बी इन्वॉल्व, क्योंकि हम बहुत टाइम से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज जो कल रात को हुआ है, वी कुड नॉट कीप क्वाइट एज हर क्लोज फ्रेंड्स। और मैं, रोहित वर्मा, कश्मीरा शाह, हम लोग यहाँ सब सुबह से निशा के साथ है, एंड शी विल बी डाउन इन 10 मिनट्स टू एड्रेस यू ऑल रिगार्डिंग एवरीथिंग। लेकिन मुझे ये बोला गया है कि मैं आपको ये मैसेज पहुँचा दूँ कि as her friend and as her family, ये ज़रूर है कि हमसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, so we have to speak up now. So अभी तो मैं वो position में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ, लेकिन निशा आएगी, आपका सब doubts clear करेगी। उनको बहुत ज़्यादा चोट लगा है, तो वो तो आप already, आपको idea होगा, but आफ्टर ये एक्सीडेंट के बाद आई डोंट थिंक हम लोग शांत बैठ सकते हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से फॉर नाउ, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आगे का स्टेटमेंट्स निशा रहेंगी। थैंक यू। निशा रावल को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग, मेरी बहन जैसी है, 10-11 साल का रिश्ता है। सो आई एम श्योर यू ऑल, आपने सोशल मीडिया पे और इवन पार्टीज इवेंट्स में अगर कोई भी आए हो, यू वुड ऑलवेज सी निशा एंड करण अ पार्ट ऑफ माय इवेंट। लेकिन नाउ हम लोग
निशा के साइड पे है पूरी तरह से। रात की बात कर रहे थे आप, एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताना चाहेंगे? निशा ने आपको क्या कहा? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा वो स्टेटमेंट मेरे को बोला गया विथहोल्ड करने को जब तक निशा आती है। इट्स बेटर निशा टेल्स यू। ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज उनका FIR ऊपर चल रहा है कॉप्स के साथ, FIR लंबा चल रहा है, अभी उनका ख़त्म हो गया है, वो आ जाएगी 5-7 मिनट में नीचे। सो इट इज़ बेटर दैट शी टेल्स एवरीथिंग क्योंकि उनकी कहानी है। थैंक यू। टॉक टू मच इंटरव्यू, पूरा दिन लग जाएगा ये बात में। आपके जो चोर ने आपसे मारपीट की कभी, इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आपके कुछ? हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है। बट इज एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से। इतनी देर से कहाँ था? इतनी देर से हर बार नहीं लिया, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो राइट? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा मैटर? बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस सिंस सो लॉन्ग? बिकॉज़ आई लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम, because I still do, and I was stupid, because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Do you know that girl? This is last night. यहाँ पे देखो। I'm सब जगह घूमा हूँ ना। नीचे थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा यार। अरे मैडम हाथ थोड़ा नीचे रखना उधर। अरे भाई थोड़ा नीचे करो। Nisha. You know what guys, this is not easy for me, okay? Especially I am in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with me. I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है, बोल दो, let's sort it out, let's see it separated, it's okay. You don't have to make it so dirty, but he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो, I said everything that I should have, जो unnatural नहीं है, किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, but मैंने bottle up करके रखा था वो तीनों से. So Karan got upset, he stood up and he left. जगह वो कमरे के बाहर चला गया, जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, he held my hair. And he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगेगा, लगा होगा कि शायद हो जाएगा, यू नो हाउएवर. एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आई रियलाइज्ड कि क्या हुआ है. तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माय गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल. सो आई सेड व्हाई डू यू हेट मी सो मच. जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी क्या है. हाँ हाँ, आराम से आराम से, बिल्कुल. वो भाई बूम पकड़ो रवि, अरुण पकड़े. हाँ जी, सो पहले ओके. नमस्ते एंड हेलो, दिस इज़ मुनीशा खटवानी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर. और मैं निशा की बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ, निशा और करण की. अभी एक्चुअली उनका FIR चल रहा है ऊपर. उन्होंने बहुत टाइम से हमें बोला था कि फॉर अस नॉट टू बी इन्वॉल्व क्योंकि हम बहुत टाइम से बहुत कुछ जानते हैं. लेकिन आज जो कल रात को हुआ है, वी कुड नॉट कीप क्वाइट एज हर क्लोज फ्रेंड्स. और मैं, रोहित वर्मा, कश्मीरा शाह, हम लोग यहाँ सब सुबह से निशा के साथ हैं एंड शी विल बी डाउन इन 10 मिनट्स टू एड्रेस यू ऑल रिगार्डिंग एवरीथिंग. लेकिन मुझे ये बोला गया है कि मैं आपको ये मैसेज पहुँचा दूँ कि as her friend and as her family, ये ज़रूर है कि हमसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है. सो वी हैव टू स्पीक अप नाउ. सो अभी तो मैं वो पोजिशन में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ, लेकिन निशा आएगी, आपका सब डाउट्स क्लियर करेगी. उनको बहुत ज़्यादा चोट लगा है, तो वो तो आप ऑलरेडी, आपको आइडिया होगा. बट आफ्टर ये एक्सीडेंट के बाद आई डोंट थिंक हम लोग शांत बैठ सकते हैं. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से फॉर नाउ. आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आगे का स्टेटमेंट्स निशा रहेंगी. थैंक यू. निशा रावत को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है.
हम लोग मेरी बहन जैसी है, 10-11 साल का रिश्ता है. सो आई एम श्योर यू ऑल, आपने सोशल मीडिया पे और इवन पार्टीज इवेंट्स में अगर कोई भी आए हो, यू वुड ऑलवेज सी निशा एंड करण अ पार्ट ऑफ माय इवेंट. लेकिन नाउ हम लोग निशा के साइड पे हैं पूरी तरह से. रात की बात कर रहे थे आप, एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताना चाहेंगे, निशा ने आपको क्या कहा? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा वो स्टेटमेंट मेरे को बोला गया विथड्रॉ कर विथहोल्ड करने को जब तक निशा आती है. इट्स बेटर निशा टेल्स यू. ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज उनका FIR ऊपर चल रहा है कॉप्स के साथ. FIR लंबा चल रहा है, अभी उनका ख़त्म हो गया है, वो आ जाएगी 5-7 मिनट में नीचे. सो इट इज़ बेटर दैट शी टेल्स एवरीथिंग, क्योंकि उनकी कहानी है. ओके, थैंक यू. टॉक टू मच इनटू इट, पूरा दिन लग जाएगा ये बात में. आपके जो चोट आपसे मारपीट की कभी, इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आपके कुछ? हाँ, उन्होंने मेरे उस पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है. बट इज एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से. इतनी देर से कहाँ था, इतनी देर से फिर कहाँ से शूट हो रहा है? तुम मत कर रहे हो. अरे अभिषेक, लाइक सर मैंने हर बार नहीं लिया है, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो राइट. आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर हो रहा है? बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस सिंस सो लॉन्ग? बिकॉज़ आई लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल डू, एंड आई वाज स्टूपिड बिकॉज़ आई स्टिल डू राइट. इट केम एज अ स्लैप ऑन माय फेस बिकॉज़ ही वाज हैविंग एन अफेयर. I was not ready to like split up with him or anything. Do you know that girl? This is last night. यहाँ पे देखो. I'm सब जगह घूमा नीचे थोड़ा थोड़ा इधर बोलना पीछे. अरे मैडम हाथ थोड़ा नीचे रखना उधर. अरे नीचे करो. निशा निशा. You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I am in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with me. I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है, बोल दो, let's sort it out, let's see it separated, it's okay. You don't have to make it so dirty. But he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. I said everything that I should have, जो वो अननेचुरल नहीं है. किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, पर मैंने बॉटल अप करके रखा था वो तीनों से. सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट. मुझे वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगेगा, लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो. हाउएवर एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, आई रियलाइज कि क्या हुआ है. तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल. सो आई सेड, व्हाई डू यू हेट मी सो मच? जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी आई. अरे एक मिनट गाइस, आराम से. हाँ, आराम से बिल्कुल. वो भाई बूम पकड़ो रवि, अरुण पकड़े. हाँ जी. सो पहले ओके, नमस्ते एंड हेलो, दिस इज़ मुनीशा खटवानी एंड आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर. और मैं निशा की बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ, निशा और करण की. अभी एक्चुअली उनका FIR चल रहा है ऊपर. उन्होंने बहुत टाइम से हमें बोला था कि फॉर अस नॉट टू बी इन्वॉल्व, क्योंकि हम बहुत टाइम से बहुत कुछ जानते हैं. लेकिन आज जो कल रात को हुआ है, वी कुड नॉट कीप क्वाइट एज हर क्लोज फ्रेंड्स. और मैं, रोहित वर्मा, कश्मीरा शाह, हम लोग यहाँ सब सुबह से निशा के साथ है. एंड शी विल बी डाउन इन 10 मिनट्स टू एड्रेस यू ऑल रिगार्डिंग एवरीथिंग. लेकिन मुझे ये बोला गया है कि मैं आपको ये मैसेज पहुँचा दूँ कि as her friend and as her family, ये ज़रूर है कि हमसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है. सो वी हैव टू स्पीक अप नाउ. सो अभी तो मैं वो पोजिशन में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ, लेकिन निशा आएगी, आपका सब डाउट्स क्लियर करेगी. उनको बहुत ज़्यादा चोट लगा है, तो
वो तो आप ऑलरेडी आपको आइडिया होगा, बट आफ्टर ये एक्सीडेंट के बाद आई डोंट थिंक हम लोग शांत बैठ सकते हैं. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से फॉर नाउ. आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आगे का स्टेटमेंट्स निशात रहेंगी. थैंक यू. निशा रावत को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है. मेरी बहन जैसी है, 10-11 साल का रिश्ता है. सो आई एम श्योर यू ऑल, आपने सोशल मीडिया पे और इवन पार्टीज इवेंट्स में अगर कोई भी आए हो, यू वुड ऑलवेज सी निशा एंड करण अ पार्ट ऑफ माय इवेंट. लेकिन नाउ हम लोग निशा के साइड पे हैं पूरी तरह से. रात की बात कर रहे थे आप, क्या हुआ था ये बताना चाहेंगे? निशा ने आपको क्या कहा? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा वो स्टेटमेंट मेरे को बोला गया विथड्रॉ करने विथहोल्ड करने को जब तक निशा आती है. इट्स बेटर निशा टेल्स यू. ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज उनका FIR ऊपर चल रहा है कॉप्स के साथ. FIR लंबा चल रहा है, अभी उनका ख़त्म हो गया है, वो आ जाएगी 5-7 मिनट में नीचे. सो इट इज़ बेटर दैट शी टेल्स एवरीथिंग, क्योंकि उनकी कहानी है.